देखो एम्पियर का परपथी नियम क्या कहता था, मैंने आपको स्टेटमेंट इसका लिखवाया था कि किसी बंद पथ द्वारा घिरी जो पथ होता है आपका उसका रेखीय समाकलन, उसका रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। और इक्वेशन आपके पास में ये थी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इतना था। ठीक है, मान लो कागज के तल के लंबवत एक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। यह आपका स्टेटमेंट था, यह आपका स्टेटमेंट था। अब हमें इसे ड्राइव करना है कि बाकी इतना होता है या नहीं। ठीक है, हाँ सर्किट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बंद पथ के लिए। ठीक है, बंद पथ के लिए। तो एक कागज के तल के लंबवत हमने एक तार ले लिया, इसका नाम रख लो एक्स वाई या कुछ भी, और इसके पास किसी बिंदु P से, मान लो ये कोई बिंदु P है, हमने माना इस P से स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं हम, ऐसा हमने एक r त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, यहां से ये इसका केंद्र हो गया O, इतना हम मिटा देंगे क्योंकि ये है तार, समझो बात को, और हमने इसके चारों ओर ऐसा वृत्त खींचा है, ये तार है और इसके चारों ओर ऐसा वृत्त हमने खींचा। ठीक है, हाँ ऐसे ही समझ लो। अब यहां पर एक बिंदु है P, ये बिंदु है P, और यहां से यहां तक की दूरी है R, यानी त्रिज्या है स्मॉल R। ठीक है, तो हमें यहां पर इसकी उत्पत्ति देखना है, ड्राइव कैसे करेंगे हम इसको, सबसे बड़ी चीज ये। यहाँ पे देखो हमने ये पढ़ा है बायो सेवर्ट का नियम जो हमने पढ़ा था, और उसमें ये पढ़ा था परिमित लंबाई के तार के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आपने पढ़ा था म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई, म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई इतना ही निकाला था, या म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू आई अपॉन आर। तो अगर हम देखेंगे तो किसी भी बिंदु पर, ये पी बिंदु है, अगर हम इसके चारों ओर वृत्त के किसी भी बिंदु पर देखेंगे, वृत्त के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि तार से स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है, तो वृत्तीय पथ का प्रत्येक बिंदु तार से समान दूरी पर स्थित है, तार से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसे पहले कि तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आएगा म्यू नॉट I अपॉन टू पाई R, इतना ही आएगा। ठीक है, तार के कारण। अब हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो कि म्यू नॉट I के बराबर होना चाहिए। तो किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह हमने एक स्पर्श रेखा की, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और इसी दिशा में डीएल वेक्टर होगा। जिस बिंदु पर एक हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और डीएल की दिशा को व्यक्त करेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ के बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों ही एक ही दिशा में है, दोनों किस में है, एक ही दिशा में है। यहां पे लिखेंगे चूंकि बी वेक्टर व डीएल वेक्टर दोनों की दिशा समान है, अगर दोनों की दिशा समान है तो थीटा बराबर क्या आएगा, जीरो, कोई कोण नहीं बनाएगा, कोई कोण नहीं बनाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लिख दो या समाकल लिख दो, बात एक ही है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को हम बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं। अब आप ये जानते हैं कि 11th की क्लास में आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, होता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, तो यहां पर निकल कर क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा।
और थीटा का मान है जीरो, तो यहाँ पर निकल कर क्या आएगा बी डी एल, इसको समाकलन लिख देंगे बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान होता है एक, तो बचेगा ये फाइनली अगर हम इसे बी बाहर लिख लें तो ये बचेगा डी एल, अकेला डी एल। डी एल का मतलब क्या हुआ, ये इतनी सी राशि, इतना खंड लघु अवयव, यही डी एल कहलाता है। अगर हम पूरे अवयव की बात करेंगे तो परिधि कहलाएगी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि डी एल का जो समाकलन है वो टू पाई आर के बराबर होगा, परिधि है। तो यहां पर हमने निकाला समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, बी का मान हम पहले निकाल चुके थे म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर इनटू ये कितना है टू पाई आर, डी एल की वैल्यू टू पाई से टू पाई कैंसिल है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या आ गया म्यू नोट आई। कहां पर